हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप बिश्नोई आज अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और हम अपने पुराने टॉपिक जिसमें हमने बात की थी कि वाटर यूज इफिशेंसी क्या है, कैसे वो किन किन फैक्टर्स से कैसे वो प्रभावित होती है और हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, आज उसी के कंटिन्यूशन में हम बात करते हैं कि शेड्यूलिंग ऑफ इरीगेशन या इरीगेशन शेड्यूलिंग, सिंचाई कब करनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमें सिंचाई कब करनी चाहिए। देखिए, जितना सिंचाई करना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा जानना ये जरूरी है कि सिंचाई कब करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। यदि ये तीन सवाल के जवाब हमने ढूंढ लिए तो फिर किसी भी फसल को या किसी भी घरेलू पौधे को या किसी भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स को या आप जो घर पर फुलवाड़ी लगाते हैं उनको, किसी भी पौधे को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बस तीन चीजों का ख्याल रखना है, पहला सिंचाई कब करें, सिंचाई कैसे करें और सिंचाई कितनी करें। ये तीन सबसे बड़े पिलर हैं किसी भी इरीगेशन शेड्यूलिंग के या किसी भी फसल के उगाने के। तो उसमें से आज एक की हम बात करते हैं जो है शेड्यूलिंग ऑफ इरीगेशन या सिंचाई कब करनी चाहिए। इसको किस आधार पे हम तय करते हैं कि वो कौन सा टाइम है जब हमें सिंचाई करनी चाहिए। बहुत सारी अप्रोच हैं या कहना चाहिए कि बहुत सारी विधियां हैं ऐसी जिनसे बहुत प्राचीन काल से किसान धीरे धीरे उनको करते गए, सीखते गए, करते गए, सीखते गए। और फिर जब साइंटिस्ट ने उन्हीं तकनीकों का एक सुधरा हुए रूप में प्रयोग किया डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लेके, तो पाया कि वही जो तकनीकें चली आ रही थी जिन्हें लर्निंग बाय डूइंग या कर करके सीखते रहे या गलती करके सीखते रहे किसान प्राचीन समय से, और वो आज इतने रिफाइन फॉर्म में आ गई हैं कि वो विधियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हम साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि कितना पानी या कब कब हमें सिंचाई की जरूरत है। एक मोटी सी बात करते हैं, हम सब ने पौधे देखे, हम ये चाहे हमने खेती की हो या नहीं की हो, खेत कभी गए हों किसी या नहीं गए हों, लेकिन पौधा तो हम सभी ने देखा है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है या बहुत सारी ऐसी स्थितियां, बहुत तेज धूप है और बरसात नहीं हो रही है, पौधे को पानी नहीं मिल रहा, तो आपने देखा होगा उस पौधे की रंग रूप ये सब कुछ बदलाव करने लगते हैं और हमें खुद पता चल जाता है कि इस पौधे को पानी की कमी है, जबकि हमने कभी सिंचाई के बारे में सुना भी नहीं होता कि सिंचाई है क्या। वैसे ही ये प्रकृति है जो अपने में होने वाले बदलाव से उसमें रहने वालों पर क्या क्या विपरीत प्रभाव पड़ते हैं उनको परिलक्षित कर देती है, उनको दिखा देती है और महसूस करा देती है। तो हम उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे कि आखिर इरिगेशन शेड्यूलिंग या शेड्यूलिंग इरिगेशन या शेड्यूल ऑफ इरिगेशन हम किन किन अप्रोच के ऊपर डिसाइड करते हैं। तो पहली, बहुत सारी अप्रोच है दरअसल, हम इनमें से इस तरीके से प्लान करते हैं कि जिनको किसान को आसानी से बताया जाए और वो समझ ले, एक, या वो विधियां जिनको किसान पहले से उपयोग करता आ रहा है वो, और तीसरे जो सबसे नीचे जाएंगी वो होंगी जो साइंटिफिकली प्रूवन है और जिसमें किन्हीं यंत्रों की जरूरत होती है, कुछ तकनीकों की जरूरत होती है और उसमें कुछ पढ़ाई लिखाई की भी आवश्यकता होती है। तो हम इन सब चीजों की बात करेंगे, हल्के से चलेंगे और जटिल की तरफ को, सरल से जटिलता की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सरल है कि उसकी वैल्यू कम है, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी जरूरत है और सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है तो उसके लिए वो तरीका ज्यादा अच्छा है, कोई किसी दूसरी चीज में एक्सपर्ट है तो उसके लिए दूसरा तरीका है। तो इसलिए बहुत सारे तरीके बात करनी पड़ेंगी। तो उसमें से पहला तरीका है सोयल मॉइस्चर डेफिसिट, मिट्टी या मृदा में नमी की कमी का स्तर। कोई समझ में आया इस बात से कि मिट्टी में नमी की कमी का स्तर कितना है, कि अगर मिट्टी में कोई कमी नहीं है पानी की तो 100% होगा, जब कुछ कम होगा तो वो 95 हो सकता है, 85 हो सकता है, 80, इसी तरह से
जैसे 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 पानी कम होता जाएगा वैसे ही वैसे पानी में नमी का, मिट्टी में नमी का स्तर धीरे 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 कम होता जाएगा। अब है क्या, हर फसल या हम मोटे तौर पर देखें ऐसी फसल जिन पे पानी की बहुत अधिक कमी हो जाए तब कम प्रभाव पड़ता है, और एक ऐसे पौधे होते हैं जिन पर थोड़ा सा भी पानी कम हो जाए तो बहुत अधिक प्रभाव होता है। तो दो कैटेगरी में अगर हम मोटा मोटा प्लांट्स को डिवाइड कर लें तो इस आधार पर हम ये देखेंगे कि यदि मिट्टी में लगभग 50 से 75% नमी का स्तर रह गया है तो अधिकांश फसलों में सिंचाई की जरूरत है। 50% वहां आएगी फिगर जो कम पानी में भी रह सकते हैं, अर्थात ऐसे मौसम में उगाए जा सकते हैं जब पानी कम हो या नमी कम हो, या पानी की कमी में जो उगने वाले पौधे हैं वो 50% तक अगर नमी आ जाती है या और 45% तक भी आ जाती है तो वो पौधे सर्वाइव करते रहते हैं, वो जीवित बने रहते हैं और उत्पादन भी करते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें 75% और 50% के बीच में सिंचाई करना बहुत जरूरी है। अगर मिट्टी में इतना पानी नहीं है तो फिर उनकी पैदावार कम हो जाएगी या उनकी बढ़वार रुक जाएगी या कुछ वाइटल जो उनके मुख्य उत्पाद थे उनमें कमी आ जाएगी, गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, साइज में कमी आ जाएगी। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि सॉयल मॉइस्चर डेफिसिट, मृदा में नमी का जब स्तर कम होने लगता है तो हर पौधे के हिसाब से अलग अलग स्तर होता है। तो जैसे आप फसल उगाते हैं आप जानते हैं, पहचान लेते हैं कि हमारी इस फसल में इतनी कमी होने पर हमें सिंचाई की जरूरत होती है। ये बहुत प्राचीन और बहुत अच्छे तरीके से किसान इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है डेफिसिट इरिगेशन। डेफिसिट इरिगेशन क्या मतलब कि सिंचाई के पानी, कितना पानी देना था उस पानी की मात्रा में कमी कर दी, और जब पानी की मात्रा में कमी की हमने तो पौधे की आवश्यकता कम दिन तक पूरी होगी और पौधे क्या करेंगे, उसकी कमी के लक्षण बहुत जल्दी दिखाएंगे, पानी की कमी के लक्षण जल्दी दिखाएंगे। एक तरीका ये हो सकता है, या हमने क्या किया, कुछ प्लॉट किए, एक प्लॉट में कुछ कम इरिगेशन, कम सिंचाई करी और बाकी सभी प्लॉट में उससे थोड़ी सी ज्यादा की। तो जिस प्लॉट में या थोड़ी जगह में हमने कम सिंचाई की है वहां पर पानी की कमी से जो पौधे में लक्षण आएंगे वो जल्दी दिखाई देने लगेंगे, और बाकी हम पूरे प्लॉट में उस कमी को देख करके सिंचाई का प्लान कर लेंगे। क्योंकि आप कई सारे खेत होते हैं, एक बार में ट्यूबवेल से या नहर से आप एक बार में एक ही खेत में जा सकते हैं, तो इसीलिए साइंटिस्ट भी ये बोलते हैं कि आपकी जो बुवाई का तरीका है वो इस प्रकार हो कि जितनी सिंचाई आप एक दिन में कर सकते हो, किसी भी जो सिंचाई के साधन आपके पास है उतने क्षेत्र में ही आप एक दिन में बुवाई करें। क्यों, उतने ही में जब बुवाई करेंगे तो सिंचाई की आवश्यकता भी उसमें आराम से पूरी कर सकते हैं। खाद या उर्वरक की बुवाई करनी है वो भी आप कर सकते हैं, गुड़ाई करनी है, निराई करनी है वो भी की जा सकती है। यदि आप एक दिन में बहुत क्षेत्रफल में फसल की बुवाई कर देंगे तो उसकी जो पानी की जरूरत होगी वो भी एक साथ आएगी, और आप उतने टाइम में एक साथ पूरे उस खेत क्षेत्रफल में पानी दे नहीं सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि कुछ हिस्सा फसल का बड़ा अच्छा होगा, कुछ हिस्सा थोड़ा कम अच्छा होगा, या हमें सिंचाई के स्रोत बदलने पड़ेंगे या बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए बुवाई करते समय कि जितने क्षेत्र में हम सिंचाई एक दिन में आसानी से कर सकते हैं उतनी ही हमें बुवाई एक दिन में करनी चाहिए, नेक्स्ट डे उतनी, फिर तीसरे दिन फिर उतनी। तो आप बुवाई उतने ही क्षेत्र में कीजिए लेकिन एक एक दिन के या दो दो दिन के अंतराल से कीजिए। तीसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसे किसान बहुत प्रयोग करते हैं, यह क्रिटिकल क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस, फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करना। अब क्रांतिक अवस्थाएं क्या है, पौधों की वह अवस्थाएं जिनमें यदि पानी ना मिले उसे तो उनके उत्पादन में और उनकी वृद्धि में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, ऐसी अवस्थाओं को क्रांतिक अवस्थाएं कहते हैं या क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ कहते हैं। जो पौधे की वृद्धि या ग्रोथ की अवस्थाएं हैं उन पर यदि पानी ना मिले पौधे को तो उनकी वृद्धि और विकास पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है और पैदावार में बहुत कमी आ जाती है।
ये हर फसल की अलग अवस्थाएं हैं। उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं, धान, तो इनमें सिंचाई की बहुत महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। जैसे गेहूं की बात करें, CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन है, जिसमें जिसको बोलते हैं शिखर जड़ अवस्थाएं, जो बुवाई के 20 से 21 दिन बाद आती हैं। ठीक, एक दूसरी होती है आपकी पेनिकल इनिशिएशन स्टेज, PI स्टेज, पेनिकल इनिशिएशन। तीसरी स्टेज आती है आपकी टिलरिंग, या पहले टिलरिंग आती है उसके बाद पेनिकल इनिशिएशन आ जाती है। ये जो क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस थी पौधे की, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे गेहूं की हम बात कर रहे थे, तो गेहूं में पहली आएगी शिखर जड़ अवस्था है, क्राउन रूट इनिशिएशन, दूसरी स्टेज आ जाएगी उसकी टिलरिंग स्टेज, फिर आ जाएगी पेनिकल इनिशिएशन, ऐसी फ्लावरिंग, फिर मिल्क जब उसमें दूध पड़ना शुरू हो जाता दाने में। ऐसी अगर धान की बात करें तो पहली आ जाएगी आपकी कल्ले निकलते समय है, दूसरी आ जाएगी आपकी पेनिकल इनिशिएशन के समय। गन्ने की बात करें तो टिलरिंग के समय, कल्ले निकलते समय, और फिर जो उसकी फॉर्मेटिव स्टेज है जिसमें ग्रांड ग्रोथ स्टेज, जब पौधे में कल्ले निकल चुके होते हैं उसके बाद पौधे की बढ़वार हो रही होती है, तो वो स्टेज है। अब मान लो हम दलहनी फसलों की बात करें, जैसे उर्द, मूंग, लोबिया, सोया, इनकी बात करें, तो आप देखेंगे कि जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, पुष्प बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो अवस्था, और जब फलियों बननी शुरू होती है, फलियों में दाना भरना शुरू होता है, वो अवस्था बहुत क्रिटिकल स्टेज है, इसमें सिंचाई बड़ी आवश्यक है। सरसों की अगर बात करें हम, तो सरसों में भी जो फ्लावर बड है, पुष्प कलिकाएं हैं, उनके बनने के बाद जैसे ही पुष्प आने शुरू होते हैं वो अवस्था है, हैं? उसके बाद क्या है, या उससे पहले भी है ब्रांचिंग स्टेज, जब उसमें शाखाएं बनती हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है। फिर जब फलियों में दाना भरना शुरू हो। कपास की बात करें तो कपास में बॉल फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर एक फसल की ऐसे ही क्रांतिक अवस्थाएं हैं, तो उन सब क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करना बहुत जरूरी है। इसमें एक बात का और ध्यान रखते हैं कि ये सिंचाई जब कर दी जाती है, जब पौधे को उपलब्ध नमी में 25-50% की कमी होने लगती है, तो हम इन अवस्थाओं पर अवश्य सिंचाई कर देनी चाहिए। चौथी एक नई, एक बहुत पुरानी विधि है, सोयल कम सैंड मिनी प्लॉट टेक्निक। सोयल कम सैंड, सोयल कम सैंड का मतलब क्या है कि मिट्टी भी है और सैंड मतलब बालू भी है। मिनी प्लॉट, मिनी प्लॉट बनाते हैं हम कि एक क्यूबिक मीटर, एक घन मीटर, एक मीटर लंबा, एक मीटर चौड़ा है और एक मीटर गहरा, इस तरह का हम एक प्लॉट तैयार कर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं कि 5% लगभग सैंड मिला देते हैं, रेत मिला देते हैं मिट्टी में, और जैसे फसल बुआई की थी सब वैसे ही फसल की बुआई करते हैं, बस उतने क्षेत्र को मार्क करके रखते हैं कि जिसमें हमारा सैंड था। अब होगा क्या, पूरे खेत में जब नमी कम होगी, उससे पहले ही जहां पर वो बालू ज्यादा थी, 5% बालू ऐड की है, तो जहां वो बालू अधिक होगी उस जगह पर पानी की कमी के लक्षण पहले दिखाई देने लगेंगे, और जब वो पानी कमी के लक्षण पहले दिखाई देंगे उसके हिसाब से हम प्लान कर लेंगे कि हमारे खेत में कब सिंचाई करनी जरूरी है। और नेक्स्ट विधि क्या है, सोइंग हाई सीड रेट, अधिक मात्रा में बीज दर का प्रयोग करके। कैसे करते हैं, इसमें भी वही तरीका है कि एक स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर का या एक स्क्वायर मीटर का हमने क्या किया, एक प्लॉट बना लिया, एक स्क्वायर मीटर का हमने क्या किया, एक प्लॉट कर लिया, एक स्क्वायर मीटर, सॉरी ये स्क्वायर मीटर है, क्यूबिक मीटर नहीं है, क्या है, एक स्क्वायर मीटर एरिया। इसमें क्या करते हैं हम, एक एक बाई एक मीटर का हम प्लॉट तैयार करते हैं, और उसमें जितना बीज हम सारे खेत में बोते हैं उस हिसाब से एक एरिया होता है कि इतनी एरिया में हमें इतना बीज बोना है। तो एक स्क्वायर मीटर में कितना बोएंगे, तो जितना बीज आएगा उस बीज को और 4 गुना बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं कि जितना बीज एक स्क्वायर मीटर में हमें बोना चाहिए, एक वर्ग मीटर में बोना चाहिए, उसको और 4 गुना कर लेते हैं। उस 4 गुना करने से क्या होगा कि वहां उस एरिया में पौधों की संख्या बढ़ जाएगी, पानी उतना ही है लेकिन पौधों की संख्या बढ़ गई। अब पौधों की संख्या जब बढ़ गई तो पानी की कमी के लक्षण उतने क्षेत्रफल में सबसे पहले दिखाई देंगे,
जैसे ही इस कमी के लक्षण दिखाई दे आप प्लान कर लीजिए पूरे खेत में सिंचाई करने के लिए कि अब हमें सिंचाई किस अवस्था में करनी है। ये बहुत पुराना मेथड है। इसके बाद इससे भी पुराना मेथड है फील एंड अपीयरेंस मेथड, छूकर और देखकर। छूकर और देखकर इसमें क्या करते हैं कि इसमें बड़े तजुर्बे की बात होती है, किसान काफी तजुर्बेकार, तो वो क्या करते हैं मिट्टी में हाथ डालते हैं और थोड़ा सा जड़ के पास से ऐसे खोद करके देखते हैं मिट्टी को, और हाथ में फिर उसको लड्डू जैसा बना के देखते हैं गोल गोल। अगर वो आसानी से बन रहा है तो मिट्टी में पौधों की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त नमी है, और यदि वो मिट्टी में लड्डू नहीं बन रहा है, अगर मिट्टी सामान्य है तो फिर क्या होगा, इसका मतलब पानी की कमी है। और यदि मिट्टी चिकनी है तो इसमें ये वाला मेथड काम नहीं करता है। चिकनी मिट्टी में दूसरे तरीके हैं, तो वहाँ पता चल जाता है कि चूंकि चिकनी मिट्टी में वैसे ही पानी ज़्यादा रहता है तो वहाँ पानी दूसरे हिसाब से दिया जाता है, और ये सामान्य दोमट मिट्टी है या दोमट के जैसी मिलती जुलती मिट्टियाँ हैं वहाँ ये लड्डू बना के या गोल मिट्टी का ढेला सा बना करके टेक्निक से पता चल जाता है। फील एंड अपीयरेंस मेथड है, छूकर और देखकर हम उसको महसूस कर लेते हैं कि मिट्टी में कितनी पानी है या कितनी नमी है। इसके बाद आते हैं प्लांट इंडिसेस, पौधों की लक्षण देखकर, पौधों के लक्षण। ये महत्वपूर्ण, हमने शुरुआत भी यहीं से की थी कि हर पौधा एक पानी की कमी के लक्षण दिखाई देते। जैसे आप किसी गमले में रखे पौधे को पानी ना दें तो क्या होगा, पहले पौधा मुरझाएगा, हो सकता है पहले दोपहर में मुरझाए, फिर उसके मुरझाने के जो घंटे थे वो ज्यादा हो जाए, फिर वो पूरे दिन मुरझाए, उसके बाद क्या होगा, पत्ती धीरे धीरे लिपट जाएंगी, गोल गोल घूम जाएंगी, है ना, और उसके बाद फिर वो सूखने भी लगेगा धीरे धीरे। तो ये सब कमी के लक्षण है। जैसे जैसे पानी की कमी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके लक्षणों में भी बदलाव आता जाएगा। तो जब हमें किसी पौधे में पानी की कमी के लक्षण दिखाई दें तो उससे यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमारे खेत में पानी की जरूरत है। कारण क्या होता है कि खेत हमेशा समतल नहीं होते हैं, कुछ हिस्सा थोड़ा सा ऊंचाई वाला होता है और कभी कभी ढलान सा होता है, तो जहां सिंचाई का पानी कम पहुंचा था यानी कि ऊंचाई है, तो वहां कमी के लक्षण और पूरे खेत की अपेक्षा पहले दिखाई देंगे। उसके हिसाब से हम प्लान कर लेंगे कि हमें कब सिंचाई करनी चाहिए। अब थोड़ा सा तकनीकी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कई सारी तकनीक है, टेंसियोमीटर या इरोमीटर, ये डिवाइस होती है। इसमें क्या होता है, टेंसियोमीटर एक इस तरह की डिवाइस होती है और उसमें पौधों की जड़ के पास हम इसको इस तरीके से लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए पौधा है, ये इसकी जड़ है, ये मिट्टी की परत है, तो हम यहाँ इस तरीके से इसको टेंसियोमीटर को फिट कर देते हैं और इसमें पता चल जाता है कि इसका एक इसमें स्केल लगा होता है जो प्रेशर से मूव करता है। जैसे ही पानी का दबाव कम होने लगेगा, वाटर प्रेशर कम होते होते जब वो 0.8, 0.78, 0.75 तक पहुंचेगा, तब हमें सिंचाई की अधिकांश मिट्टियों में जरूरत हो जाती है। लेकिन इसकी दिक्कत यह है कि टेंसियोमीटर ऐसी मिट्टियों में ज्यादा काम करता है जहां पर थोड़ा सा मिट्टी की जो संरचना है वो कुछ बालू की तरफ हो या दोमट मिट्टी हो, ऐसी मिट्टियों में ये ज्यादा अच्छे से काम करता है, चिकनी मिट्टियों में ये बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। फिर और क्या करेंगे हम, इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है इंफ्रारेड थर्मामीटर। देखिए इंफ्रारेड थर्मामीटर ये एक थर्मामीटर है, जैसे हम लोग बुखार नापने के थर्मामीटर होते हैं बस वैसा ही एक थर्मामीटर होता है, लेकिन वो इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करता है। इसमें क्या होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसे पौधे का जो ऊपरी पत्तियां होती हैं ये आपको पता है कि वो पानी का वाष्प उत्सर्जन करती है, मिट्टी पानी को वाष्पीकरण करती है, ये दोनों पत्ती और मिट्टी मिला करके एक माइक्रो
माइक्रो कैनोपी डेवलप करते हैं या सूक्ष्म वातावरण डेवलप करते हैं या उसका एक अलग क्लाइमेट हो जाता है पौधे के सराउंडिंग का। तो पौधे का क्लाइमेट, पौधे के आसपास का और वायुमंडल का क्लाइमेट जो है वातावरण, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि दोपहर के समय जो उसका प्लांट का माइक्रो क्लाइमेट था उसका टेम्परेचर लेते हैं, और चूंकि दोपहर में ही एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या वायुमंडल का जो तापक्रम है वो सबसे ज्यादा होता है उसको भी लेते हैं। इन दोनों टेम्परेचर को हम चेक करते हैं कि डिफरेंस के कैनोपे टेम्परेचर और एयर टेम्परेचर, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अगर वो डिफरेंस हमारा निगेटिव में रहता है तो इसका मतलब ये है कि पौधे में पर्याप्त पानी है, और वो पर्याप्त पानी है इसलिए वो पोस्टर्जन भी कर पा रहा है और मिट्टी से बाष्पीकरण भी हो रहा है, जिसके कारण एयर टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन जो कैनोपी के माइक्रो क्लाइमेट डेवलप हुआ था उसका तापक्रम कुछ कम है। तो ये जो आता है रीडिंग माइनस में आती है तो सिंचाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही ये जीरो और फिर पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगती है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि एयर टेम्परेचर क्या हो गया, ये ज्यादा है, और जो कैनोपे टेम्परेचर था, कैनोपे मतलब जो पत्तियों की वजह से टेम्परेचर था वो क्या है, कम है। जब एयर टेम्परेचर ज्यादा होगा, कैनोपे टेम्परेचर कम होगा, इसका मतलब है कि पौधे में पानी को बाष्पोत्सर्जन करने के लिए पानी है ही नहीं, तभी तो ये पॉजिटिव आएगी या जीरो होगी। तो बस जैसे ही जीरो के पास पहुंचने लगती है या जीरो हो जाती है तो सोच लेना चाहिए कि सिंचाई की पौधे को आवश्यकता है। और इसी सब के आधार पर एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, स्ट्रेस डिग्री डेज, SDD। ये बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है। जब आप एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से MSc या PhD के लिए एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, या आप नेट या ARS का पेपर देते हैं, या आप PCS का या IAS का एग्जाम देते हैं, तो अक्सर ये पूछा जाता है SDD क्या है, स्ट्रेस डिग्री डेज, कि पौधे में कितने दिन तक पानी की कमी की स्ट्रेस पाई गई है। तो आमतौर से अगर 10 से 15 के बीच में वैल्यू है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये क्रॉस करने लगती है उसके बाद सिंचाई कर लेना बहुत जरूरी है। तो SDD बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्या है, और ये हमारा इसी से डिसाइड होता है कि जो कैनोपे टेम्परेचर है या इंफ्रारेड थर्मामीटर है, इस विधि से हम इसको चेक कर देते हैं या जान लेते हैं। इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है किसान को, इसको वो भी अगर यूज करेगा तो समझ सकता है इस चीज को। अब आती है बड़ी टर्म है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग ये जितने आपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट देखे हैं, ऐसे वेदर सैटेलाइट है, मौसम उपग्रह जो इसरो के द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक। अब ये क्या है, ये पौधे की है एक पूरी ये इमेज डेवलप करते हैं। किस आधार पर, कि वो रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट वापस होती है, सूरज की रोशनी आई, सूरज की किरणें आई, और ये किरणें कहाँ गई, पौधे का, पौधे ने इनको कहाँ भेजा, वापस एटमॉस्फेयर में। तो ये जो इंफ्रारेड जो रिमोट सेंसिंग के जो कैमराज होते हैं, ये कैमरे जो ये वापस जाने वाला रेडिएशन है रिवर्स, जो सोल पे आया या पृथ्वी पे आया या पौधे की सतह से वापस गया, ठीक। तो इनकमिंग और आउटगोइंग, तो एक तो वो है जो पौधे पे आ रहा था वो रेडिएशन है, वो तो आने वाला हो गया, अब वापस जो जा रहा है तो ये वापस जाने वाले रेडिएशन को कैप्चर करता है और उसके हिसाब से कलर दिखाता है मैप पर कि ये थर्मल इमेजिंग करता है वो उसकी, और इसी से पता चल जाता है एक बड़े एरिया में, जहां मान लीजिए बहुत बड़ा गन्ने का क्षेत्र पर है, तो रिमोट सेंसिंग से उस एरिया की पूरी पिक्चर ली जाती है और वहां एकदम रिफ्लेक्शन आ जाता है कि पौधे में कितनी पानी, मतलब पानी की कमी है तो उसका अलग कलर होगा, जहां पानी पर्याप्त है उसका अलग कलर होगा। ये बहुत बड़े स्तर पे मौसम विज्ञान विभाग इसका प्रयोग करता है, और ये ही गवर्नमेंट को डेटा भी दिए जाते हैं, ये रिसर्च में बहुत काम आते हैं बच्चों के,
स्टूडेंट अपना पीएचडी करते हैं या रिसर्च कर रहे होते हैं एमएससी में, तो वो इसका खूब प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रयोग होती है, लेकिन थोड़ी सी हायर क्लासेस में, जो बड़ी क्लासेस हैं जैसे एमएससी है, पीएचडी है या रिसर्च है, वहां पर ये क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच का या जो ऑब्जर्वेटरीज हैं, वेदर ऑब्जर्वेटरी है, मौसम प्रयोगशाला, मौसम की जो जहां भविष्यवाणी या विभिन्न पैरामीटर जहां पर नोट किए जाते हैं, तय किए जाते हैं, तो उन ऑब्जर्वेटरी में या उन फील्ड में जहां रिसर्च की जाती है, वहां पर क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य सबसे ज्यादा है IWCP, इरिगेशन वाटर एंड क्यूमुलेटिव पैनिकोपर ट्रांसमिटेड इवेपोमेट्री अप्रोच। इसमें क्या होता है, हमने कितनी सिंचाई की, इरिगेशन वाटर या सिंचाई का जल हमने कितना दिया, और वो पानी सीपी क्यूमुलेटिव पैन इवेपोमेट्री के, वो एक यंत्र होता है कि उस पानी में जितना पानी दिया था हमने उसको फिल कर दिया। अब उस सरफेस से, उस एरिया से जितना पानी जल्दी से वो इवेपोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, तो उतनी ही मात्रा पानी की कम हो जाएगी उसमें, और इससे हमें ये पता चल जाएगा, इसका एक पूरा सेट होता है कि जब ये रेशियो इरिगेशन वाटर का सीपीई का जो अनुपात है, जब ये 0.75 से 0.1 तक आ जाए, तो ये मान के चलिए कि हमको सिंचाई करनी पड़ जाएगी। किसान को जो वैज्ञानिक रिकमेंडेशन देते हैं वो इसी आधार पर देते हैं कि कहते हैं ना, आज का मौसम ये था, तो वो एक सप्ताह का पूरा एवरेज लेते हैं जो ऑब्जर्वेटरी में होते हैं लोग, और वो फिर डिक्लेयर करते हैं, मौसम विभाग के द्वारा सूचना आती है कि आपको सिंचाई कर देनी चाहिए, वातावरण की स्थिति ऐसी है इसलिए आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। ऐसी दूसरी विधि है कैन इवेपोमीटर। कैन इवेपोमीटर क्या है, एक सिंपल है, बोतल है, क्या है, बोतल है जो 1 लीटर इसकी कैपेसिटी है पानी की, इसमें हम पूरा पानी भर देते हैं, वो पूरा पानी भरने के बाद इसमें एक मार्क होते हैं, तो हम उस मार्क तक पानी भरते हैं, और एक इसमें पॉइंटर भी होता है लगा हुआ, वो पॉइंटर उस पानी की सरफेस को टच करते हुए भर देते हैं, और फिर इसको हम क्रॉप हाइट, फसल की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई पर रख देते हैं। अब इस पानी में से, ये जिस दिन सिंचाई की हमने खेत की उस दिन इसमें रख देते हैं, और इसमें विभिन्न मार्क बने होते हैं, हमें ये पता होता है कि हर फसल के हिसाब से ये मार्क डिसाइडेड हैं, ये इसका पूरा एक टेबल होती है उसमें लिखा होता है आपका, जैसे ही ये पॉइंटर जितने मार्क पर आया, तो उस फसल के लिए जिस फसल में हम चेक कर रहे हैं, हर फसल का छुट्टी अलग होता है, तो इसके आधार पर ये पॉइंटर नीचे जैसे चलता है, तो इसका मतलब यह है कि यहां से पानी उतना उड़ गया, वाष्पीकरण हो गया, तो जैसे ही पानी इससे वाष्पीकरण हुआ, ये भी क्रॉप की लेयर पे है, एयर सरफेस पे है, तो ये माना जाता है कि मिट्टी में भी पानी की इतनी कमी हो गई जितनी कि बोतल के अंदर हुई है, और उसके हिसाब से हम प्लान कर लेते हैं कि हमें सिंचाई कर देनी चाहिए या नहीं। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इनका प्रयोग भी करते हैं, और जो प्लांट्स के हैं, जैसे क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज थी या फील मेथड था, फील एंड अपीयरेंस मेथड था, इन सबको जोड़ करके भी, मतलब इसमें हम यंत्रों का प्रयोग भी करते हैं, पौधों का प्रयोग भी करते हैं, और उनके साथ में प्रयोग करते हुए जो कॉम्बिनेशन बनता है ये बोलते हैं। तो ये हमारे थे शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। अगर हमने इस चीज को अच्छे से समझ लिया है, तो होगा क्या कि कभी भी हमारी किसी भी फसल में सिंचाई को लेकर कभी कोई इशू पैदा नहीं होगा। कब हमें पानी लगाना चाहिए, कितना पानी लगाना चाहिए, ये दूसरी बात है, लेकिन वो पानी कब कब लगाना चाहिए इसको तय करने के लिए शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन करनी पड़ती है। उम्मीद है अगर ये जो भी आपको इसमें कुछ कमी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा आपको, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।